एक इंसान 16 साल देश की सुरक्षा करने के बाद उसी मजबूती से खेती को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे सुनील जी की। सुनील जी ने 16 साल देश की सेना के अंदर कार्य किया, उसके बाद जब वो रिटायर होके आए यहाँ पे उन्होंने खेती को देखा, खेती के अंदर केमिकल के प्रभाव को देखा कि लोग बागों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने फिर यहाँ पे जैविक खेती शुरू की। यहाँ पे उन्हें इतना बढ़िया उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, इतने अच्छे रिजल्ट आए, उसके बाद यहाँ तक भी वो नहीं रुके, उन्होंने चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें बनाई 2 साल के अंदर। एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, चलिए उसके लिए जानते हैं हम सुनील जी से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, जो सामने से लोग बाग देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। अच्छा, मैं सुनील कुमार फौजी, गांव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूं और यहां पे अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म चला रहा हूं। सर, जैसे आप जो सुनील फौजी आपने बताया, नाम के पीछे फौजी है तो मतलब कि आप फौज में थे। कब फौज से रिटायर होके खेती के अंदर आए, उसके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। खेती तो हमारा आधार रही है, पैतृक है, कार्य है खेती। लेकिन मैंने जो है जनवरी 2018 को मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद से अपने इस पैतृक कार्य में मैं लग रहा हूँ। सर, जैसे आप उसके रिटायर होने के बाद खेती के अंदर आए जी, अब खेती के अंदर जैसे केमिकल का खेती चल रही थी या रासायनिक खेती चल रही थी, आप अगर वही खेती करते आपने क्यों ऑर्गेनिक खेती चुना? क्योंकि मेहनत का भी काम है, आपको दिमाग भी बदलना है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, तो वो एक थोड़ी सी बताइए सर। देखो, जो फौजी होता है ना वो मेहनती तो होता ही है, पहले तो सेवा करता है अपने देश की, तो उसके अंदर आलस्य की तो कोई मतलब है ही नहीं है। और रही अब प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, तो जैसे हमने वहाँ सेवा की, यहाँ पे भी हमने उसी लगन से कार्य किया, क्योंकि हमें काम करना था ग्लोबल इशूज़ पे, जैसे कि हमारा जो है पोल्यूशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर शॉर्टेज की समस्या है, और इन सब के कारण जो हमारी आज की जनरेशन है, हमारी संतति है, वो सब जो है गर्त में जा रही है। हमारा जो विकास है वो नहीं हो रहा है। जीडीपी कहने को जो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो विकास वास्तविक होता है वो सतत विकास होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी तो कार्य करने की जिम्मेदारी हम जैसे किसानों की या हम जैसे लोगों की तो है। तो हम इसी वजह से हमने प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ अपना जो है कदम बढ़ाया, क्योंकि पैसे के पीछे भागने से ही विकास नहीं होता। आज हमारे देश की जो जनसंख्या है इतनी बीमारियों से ग्रस्त है, पशुधन है वो बर्बादी के कगार पर है, पानी समाप्त होता जा रहा है, और कितनी प्रजातियां हमारे चीड़ों की, मधुमक्खी हुए, गिद्ध हुए, ये हुए, विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। और जब इस खाद्य श्रृंखला में कोई भी एक प्रजाति हमारी समाप्त होती है तो उसका मतलब मानव समाप्ति की तरफ चल पड़ा है। तो ये आधार रहे हैं हमारे इस खेती को चुनने के, इस वजह से हमने खेती शुरू करी। अब सर ये बताइए, इसमें एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, जो फौज में थे आप, तो आपका क्या उसके अंदर कार्य था, और जो एजुकेशन आपकी है वो मुझे बताइए, और साथ में खेती के साथ साथ जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें और करते हैं, तो उनके बारे में एक थोड़ा सा व्याख्यान पहले कर दीजिए सर। अच्छा, देखो मिलिट्री में मैंने क्या क्या कार्य किए वो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने की बातें नहीं होती हैं सबसे पहले, लेकिन हाँ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि BSc मैथ से करते हुए मैं सेना में गया, तकनीकी पदों पर था, और यहाँ पे आकर के मैंने BA MA और BEd CTET UPTET क्वालिफाई, और टीचिंग के लिए मैंने अप्लाई किया और उसमें नंबर भी है। सर, आपने खेती के अंदर तो बता दिया कि आप ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन किस तरीके की ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आपका जो है चैनल के माध्यम से बहुत किसान इससे सीख रहे होंगे, सीखेंगे। ये जो मैं खेती कर रहा हूँ ये मल्टी लेयर और मल्टी क्रॉप, यानी कि सह फसल और कई स्तरीय खेती में कर रहा हूँ। पहले जो सबसे ऊपर जाएगा वो हमारे पास आंवला जाएगा, फिर उसके नीचे हमने नींबू लगाए हुए हैं, तो नींबू और आंवला उसमें हमने डिस्टेंस रखा है इतना ताकि उसको धूप और हवा का भी प्रबंध किया जा सके, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा संख्या में नहीं लगाए, 15-15 फीट के स्पैन पे हमने दूरी पे वे लगाए हैं, क्योंकि आंवला है, आंवले पर छोटा पत्ता होता है, वो कोई इतनी छाया करता ही नहीं, और वो नीचे भी गिरेगा तो
तो ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेगा और उसके बाद नींबू हो जाएगा। इसी से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो हमारे जो है पिकल्स की या कुछ और इंडस्ट्री दवाइयों में ये हमारा जाना शुरू प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सह फसलों का आ गया, जैसे हमारा ये हमने 15x15 और 30x30 के डिस्टेंस पे हमने मतलब लाइन टू लाइन 30 फीट का है और पौधे टू पौधा 15 फीट का डिस्टेंस हमने रखा है, दूरी रखा है। तो जो 30 फीट के उसमें हमने बीच में 10 फीट गन्ना लगाया हुआ है और दोनों तरफ पेस के 10 फीट यानी कि पेड़ों तक जो पौधे आएंगे वहाँ तक हमने और छोटी छोटी फसलें ली हुई हैं। ये हमारा जो पेड़ों की हमारी लाइनें हैं उसके बीच का स्थान ये है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमने मेथी डाल दी है। इसमें जो मसाले के में जाएगी ये और साग में भी जाएगी और हमारे खेत को भी मजबूती देगी क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु इसमें होते हैं, दलहनी फसल है। उसके साथ में आप देख सकते हैं कि पूरा गन्ना ये हमने लगा दिया है। अब मौसम जैसी अब जब अच्छा हो जाएगा, बसंत तो चली गया है, तो अब इसमें ग्रोथ टिलरिंग होना शुरू हो जाएगा गन्ने में। तो ये गन्ना हमारे हो गए यहाँ पे 10 फीट चौड़ाई का। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसकी मैंड पे हमने बीज तैयार किया हुआ है गाजर का। ये गाजर का बीज है अपने घर का ही, खुद का देसी बीज। फिर उसके साथ में ये हमने सरसों इसके साथ में लगा दिया है। सरसों में आप यहाँ देख सकते हैं कि चना यहाँ पे है, इसका ये साग में काम आया, दाने में भी आएगा और हमारे सरसों को हमारे खेत को जो है ताकत भी ये देगा क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से अपने खादों को लेकर के हमारे खेत में वे देंगे। साथ में इधर ये आप देख सकते हैं पशुओं के लिए हरा चारा और प्लस बैरिकेडिंग क्रॉप है ये, जो दूसरों की हम केमिकल को फर्टिलाइजर जो वे डालेंगे फॉगिंग करेंगे उसको ये रोकेगा। और उसके बाद में जो अमरूद की पूरी रो है, फिर वहाँ पे भी एक बैरिकेडिंग क्रॉप है, फिर नाली है, तो इस तरह का सामंजस्य किया। और यहाँ पे साथ में अगर आगे हम बढ़ते हैं इसमें तो चने के बाद में गन्ना और गन्ना है, चना हो गया, सरसों हो गया और ये इधर मेथी हो गया। तो इसी तरह से हमारी बहुत सारी फसलें एक साथ आती रहेंगी और इनका सबका टाइमिंग अलग अलग है। जो दूसरा आप सर बता रहे थे उसमें तो पीछे गन्ना मेथी, इसके अंदर आपने गाजर और सरसों और एक और चीज़ आपने बुआई की थी मेथी। और जो यहाँ पे आपने वो गन्ना और वो भी दिखा दीजिए और क्या क्या है, चना वना आपने बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर, इतनी सारी चीज़ें आपने लगाई हुई है। हाँ हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा गन्ने का स्पैन है, ये 10 फीट का है। तो यहाँ पे ये गन्ना आप इसमें नज़र आ रहा होगा, ये गन्ना है, ये सरसों है, ये मेथी है, इसकी मेंड पे ये मूली था, अब मूली का बीज और सब्जी बन रहा है सिंगरे की, ये इधर धनिया है और हमने इस पे शायद चना भी है। हाँ ये चना है। तो और इसी मेंड पे हमारे आंवला और नींबू भी हैं। आगे चल के अब हमने 2 महीने की फसल थी मूली की, उसमें से हमने काफ़ी अच्छी पैसा ले लिया और अपने घर के लिए काफ़ी इसमें से उत्पादन निकला। और ये धनिया है, ये भी बहुत छोटी छोटी फसल है, 2 बार इसमें से धनिया ले लिया और अभी दाने में काम आ जाएगा यानी कि मसाला बनेगा। और फिर इसके बाद सरसों कट जाएगी और सरसों के बाद में हमारा ईख जो है प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा, इसका विकास होना शुरू हो जाएगा। और जब सरसों कटेगी इस खेत में फिर हम दूसरी अभी दलहनी फसलें जो उर्द आएगी अभी बसंत काल का उर्द होएगा वो हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी कम से कम एक ही खेत में 6-7 फसलें लगती हैं। तो सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे पे आता है, मतलब कि दिमाग में सबसे पहले जो मेरे आया जी, इसमें अगर मैं गिनती करूँ, आपने तो पता नहीं कितनी सारी मुझे फसलें गिनवा दी। हाँ। और अलग से अमरूद हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, मूली हो गया, पता नहीं सारी चीजें हो गई इसमें। लेकिन इस चीज को समझना, जब आपने समझा होगा, दिमाग लगाया होगा, 2 साल सर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सीखने के लिए है। क्या आप पहले से ही सीख भी रहे थे? क्योंकि इतनी जानकारी लेना और इतने अच्छे से चीजें फिर करना जो आपने किया हुआ है, वो बड़ा उसका मतलब कि मेहनत का काम लगता है। कहीं से आपने ट्रेनिंग भी ली थी या आप सीखते सीखते कैसे सीख ये सारी चीजें, वो बता दीजिए सर। देखो करने का जज्बा तो जब होता है ना तो सब रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, सबसे पहली बात ये है। तो इसके लिए जो हमारे वरिष्ठ हैं, सुभाष पालेकर जी हो गए, भारत भूषण त्यागी जी हो गए, और उनका जो
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आप जैसे जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका मैं ऋणी हूँ। उनके माध्यम से हमने यूट्यूब पे देखा, हेलो किसान चैनल से भी देखा, और भी कई चैनल हैं उनसे भी देखा, और हमने इनको विजिट भी किया। सुभाष पालेकर जी को सुना, भारत भूषण त्यागी जी को हमने विजिट किया, उनका देखा फार्म जा करके, थाना बन में ठाकुर धर्मपाल जी का देखा। और उससे पहले जैसे कि पूरे भारतभर से भ्रमण करता रहा हूँ आर्मी में रहते हुए, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था, मतलब कि पहले से ही आप चीज़ें कहीं से अगर सीखने को मिल रही थी तो वो था दिमाग में कहीं ना कहीं आपने रखा हुआ था, सीख रहे थे। पढ़ाई करते समय हमने ग्लोबल इशूज पर जब केस स्टडी करें वो देखा तो वो सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। और साथ में फिर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसने बहुत भूमिका निभाई, तो हमें कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं आई इस चीज़ में। सर जो आप खेती कर रहे हैं एग्जैक्टली उसमें आप और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा करते हैं वो बताइए सर। ये प्राकृतिक खेती है जैसे हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं वेदों में शास्त्रों में, उसके माध्यम से अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं बता तो दिया उनके, और हमारे बीच में काफ़ी गैप हो गया। हालांकि बीच में हमारे दयानंद सरस्वती जी और अनेकों संत आए, वे सिखाते रहे, तो उसको हमने एग्जीक्यूट किया। हम प्रतिदिन ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ पे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, उससे क्या है सुगंधित वातावरण तैयार किया जाता है, हवा सुगंधित तैयार की जाती है, क्योंकि हवन से वायु जल सर्वत्र सुगंधित होता है। और जिस तरह से पौधे, जिस तरह से हम दवाई कई प्रकार की होती हैं, सूंघने वाली होती है, सांस से लेने वाली होती है, इंजेक्शन लगाने वाला होता है, उसी तरह से पौधों का भी यही है कि वो पोषण केवल मिट्टी मिट्टी से ही नहीं करता, जल से भी करता है, वायु से भी करता है। तो हमने वायु शुद्ध कर दी यहाँ पे सुगंधित वायु तैयार करके, फिर जो हवन के जो भस्म है, राख है, उसके माध्यम से हम अपने खेतों में उसको प्रवाहित करते हैं, छिड़कते हैं, बिखेरते हैं, तो खेत शुद्ध हो गया। न्यूट्रिशन जो सामग्री है वो इतने उत्तम किस्म की है हमारे पास में, गाय का ऑर्गेनिक घी है और 101 प्रकार के पौधे, पहला लोभान, गूगल, गंधक, तो और ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस पौधों को चाहिए वो सब के सब हवन की सामग्री में, समीदाहों में उपलब्ध होते हैं, और उसको हम हवा के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से अपने पौधों को देते हैं। मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी चीज़ों में थे वो सब पहुंच गए, और दूसरा जो राख होती है उसमें पोटेशियम का भी अच्छी मात्रा मानी जाती है, वो भी मिल जाता है खेतों को। हाँ, सारे पोटेशियम हो चाहे कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, क्योंकि वो सब तेलों में, आप देखो सरसों और तिल हम इसमें प्रयोग करते हैं, घी करोगे तो उसमें सब चीज़ हैं, तो बहुत कम मात्रा जो दवाई हम जड़ों के माध्यम से या गोली खा करके हम जैसे ले सकते हैं, अगर उसकी बहुत कम मात्रा सूंघ के ली जा सकती है और वही काम कर सकती है, तो वही सिद्धांत यहाँ पे है कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद उर्वरक या ये न्यूट्रिशन या जो भी है ना डाल करके हम हवा के माध्यम से और उसको करते हैं हवन के द्वारा। अब सर इसमें एक बात बताइए, खेती भी जान ली हमने, आपने कैसे इसके अंदर आए वो भी जान लिया, सारी चीज़ हमने जान लिया, लेकिन अब एक और आगे स्टेप बढ़ के आता है जी, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक से अलग स्टेप आता है कि हम वो प्रोडक्ट उसे मार्केट कर रहे हैं, उसे प्रोसेस करके कुछ नई चीज़ बनाकर, जैसे अगर गन्ना है तो उसका गुड़ बना लिया, शक्कर बना लिया, आटा है तो उसे वो अगर अनाज है तो उसे पिसवा कर आटा बना लिया है, ये सारी चीज़ें करके और अच्छा प्रॉफिट इससे किसानों को आ रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे और आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है, आपने कुछ चीज़ें रखी भी हुई है उसके बारे में बताइए सर। अच्छा देखो, अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसका सबसे पहला आधार हमें बेचने का नहीं होना चाहिए, सबसे पहला आधार हमें अपने घर परिवार को खिलाने का, खाने का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में किसान जो पैदा कर रहा है वो पूरे क्षेत्र में एक जैसी फसलें पैदा कर रहा है, और वो पूरी की पूरी बिक्री करता है और पूरी की पूरी फिर खरीदता है अपने लिए, अपने दैनिक जीवन चलाने के लिए सभी सामग्रियाँ खरीदता है, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर, समय की बर्बादी के तौर पे, और रीपैकेजिंग पैकेजिंग के तौर पे हमारा इतना बड़ा पैसा
ऐसे ही घूम रहा है मूर्खता के कारण, जो गरीबी का और किसान की बदतर हालत का सबसे मुख्य कारण है। बिके ना बिके कोई महत्व नहीं रखता, अपने घर में खरीदना ना पड़े ये महत्व रखता है। मतलब कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा तो किसान तो भूखा मरेगा ही नहीं, फिर अपने खुद ही फसल उगाते रहो मतलब। हाँ, अपनी जरूरत की सारी सामग्री वो पैदा करे तो उससे उसका बहुत बड़ी अमाउंट बचेगी और जिसके लिए उसका सिरदर्द मोल का नहीं आएगा। अब सर जैसे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट उगाए हुए हैं और वो बना रखे हैं आपने, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मैंने बनाए हैं और भी कई किसानों ने बनाए हैं अपने प्रोडक्टों को। अगर कोई अपने खेत में कच्चा सामान तैयार करके अपने घर के लायक बिल्कुल उनको बेहतर तरीके से प्रयोग करे और बचे हुए को अगर वो तैयार करके प्रोसेस्ड फूड बना करके अगर मार्केट में देता है तो सोने पे सुहागा है, और उसके माध्यम से उसकी आमदनी जो पहले काफ़ी हो चुकी है बाहर से ना खरीद के अपने घर में अपना घर का प्रयोग करके, वो 3-4-10 गुना तक बढ़ सकती है, 20 गुना तक बढ़ सकती है। और मतलब कि अगर किसान कर सकता है और थोड़ी सी और मेहनत, या कोई उसका बेटा भी आए या साथ में कोई ऐसा हो जो दूसरा उसको सहयोग दे, तो ये चीज़ें भी आगे बढ़ सकती है और मुनाफा इससे ज़रूर होगा। हाँ, अगर हम पूरे परिवार को लेकर के कृषि कार्य करें तो मुनाफा होगा। और अब तो एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है और चलाना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से फैमिली डॉक्टर हो गए, फैमिली वकील हो गए, इसी तरह से फैमिली किसान भी हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो किसान के पास में तकरीबन 1 हेक्टेयर का एवरेज है ज़मीन का, अगर उसके पास 2 या 3 परिवार भी और जुड़ जाएं तो उसके बेचने का सिर दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय है। अब सर ये जैसे आपने कौन कौन से प्रोडक्ट बताए हैं वो भी जो आपने खुद बनाए हुए हैं, अच्छा, वो भी बताइए मुझे ताकि किसानों को और पता चले कि भाई ऐसे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं या आप क्या क्या बेकरी कर रहे हैं बेच रहे हैं वो बताइए। हमारे इस फार्म की जो है मेन फसल गन्ना है जैसे कि आपने देखा है, और गन्ने के साथ में कम से कम 20 फसलें सह फसल के तौर पर हम लेते हैं। तो जो गन्ना है मेन फसल, मैं उसी के प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें हमने अपने ही प्राकृतिक ये खांड बनाई है, ये आप देख सकते हैं इसमें, और ये शक्कर है, हाँ, और यहाँ पे ये 7 तरह का गुड़ है हमारे पास में, जिसमें तिल, गोला, मूंगफली और कई फ्लेवर, अजवाइन, सौंठ, सौंप, अलसी, इस टाइप से गाजर, तो ये कितनी फ्लेवर हैं, और प्लेन गुड़ है ना, और जिसको राजीव दीक्षित जी बताते हैं काकवी का नाम देते हैं, वो इसमें ये राब है, राब या काकवी जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं गुड़ की श्रेणी में। अच्छा, गुड़ की श्रेणी, गुड़ उससे बनता है। हाँ, ये भी गुड़ का ही है, सब गुड़ के फॉर्म में अलग अलग, पर इसमें मिनरल्स सबसे ज़्यादा होते हैं ऐसा राजीव दीक्षित जी बताते हैं और शास्त्रों में भी। अब सह फसल के तौर पर गन्ने के साथ में जैसे गेहूं लिया, तो गेहूं में और गेहूं से हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और कई सम्मानित हमारे उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, वे सभी सामान हमारे पास से लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये हल्दी भी रखी हुई है और सारी चीज़ें, ये भी आप मतलब कि देते हैं क्या? हाँ, सह फसलों में हमारे पास 6-7 तरह की जो है सब्जियाँ हैं, जैसे कि ये हल्दी हो गई, अरवी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, मेथी, धनिया, भिंडी और लौकी तोरी। अब हमने ये इसमें लौकी और तोरी बोई हैं, इसमें मचान बनेगा। तो ये सब हमारा जो है गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, मेरठ और यहाँ लोकल से लेकर के विदेश तक जाता है सामान। अब मतलब एक इसमें एक और क्वेश्चन आ गया सर मेरे दिमाग में कि ये तो हो गई पक्की फसलें। हाँ जी, पक्की फसल में आप इसे रोक सकते हो चीज़ों को। हाँ। लेकिन जैसे आप तोरई और वो, उसे बेचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तोरई हो गया या धनिया हो गया ये सारी चीज़ें? नहीं देखो, प्रॉब्लमें तो आती हैं, उनका रास्ता है, जब हम बढ़ेंगे किसी कार्य में तो अपने आप रास्ता खुलेगा। अब जैसे हमारी योजना है और जैसे भी हुआ भी है पिछली बार भी कि हमने डोर टू डोर जो है अपनी लौकी तोरी भेजी है, और नोएडा में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, यानी कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में हमारा अच्छा वो है, और वहाँ पर हमारी सब्जियाँ खपत होती हैं। मतलब कि अगर आपको करना है ये सारी चीज़ें तो पूरा कमर कस के मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। होना ही पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, कहीं मुफ्त में नहीं है, किसी भी जॉब में चले जाओ बिना मेहनत नहीं। और जो कृषि कार्य जो पिछड़ा हुआ है वो मेहनत कम करने की वजह से ही, पूरा रसायन मेहनत ना करने की वजह से इसमें घर बना गया अपना,
और पूरी अव्यवस्था जितनी भी है वो सारी मेहनत ना करने की वजह से घर बना गई। सर, हमारी वीडियो कुछ बेरोजगार भाई देख रहे हैं, जी कुछ ऐसे नए युवा देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं और उन्हें खेती में रुचि है, जी और बहुत से ऐसे लोग बाग देख रहे हैं कि सेटल्ड भी है लेकिन उनके पास खेती है और आके खेती के अंदर अपना खुद उगाकर मानसिक और शारीरिक मतलब कि स्वास्थ्य बढ़ाना चाहते हैं, जी तो उन्हें आप कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि खेती के अंदर वो आए आए तो किस वजह से आए? देखो, जो खेती है वो आधार है, खाएगा तो अन्न ही, पैसा तो कोई खाएगा नहीं, धन दौलत सोना चांदी तो कोई खाएगा नहीं, तो जो वेल सेटल्ड हैं उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए खेती में, क्योंकि उन्होंने पैसा भी कमा लिया और अब उनको पता भी चल गया कि वास्तविकता क्या है, तो उन्हें खेती में तो आना ही चाहिए। अब जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों का जो सबसे बड़ी कारण है वे खेती में ना आने का ही है, वे खेती में नहीं आना चाहते, ये सोचते हैं, उनके दिमाग में काल्पनिक विचार चलते रहते हैं कि हम खेती ना करके कोई और जॉब कर लें तो हमें स्मूथली हमारा जीवन यापन होना शुरू हो जाएगा। जबकि मैं जैसे कि देश विदेशों में घुमा, मिलिट्री में कार्य किया, यहाँ पे भी किया और कितने ही जगह पे मैं गया, तो कहीं मुफ्त में नहीं मिलता, बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं होता। तो उन बेरोजगारों को अपनी काल्पनिक उड़ानों को छोड़ करके इस खेती कार्य में आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए, इसमें तमाम स्कोप है। हमारा देश, जैसे कि अब कृषि प्रधान देश कहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि कृषि प्रधान देश नहीं है, ये कृषि व्यापार प्रधान देश है। क्यों है? क्योंकि जब सोने की चिड़िया हमारा देश होती थी, उस समय आप देखो मसालों की खेती, खेती के प्रोडक्ट जो हैं यूरोपियन और अदर कंटिनेंट वाले लोग लेकर जाते थे, और उसी वे उसके बदले में हमें सोना दे के जाते थे। तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे स्कोप है, यहाँ में यहाँ की वायु जलवायु में प्रकृति में विभिन्नता है, अनेक तरह की यहाँ की मिट्टियाँ हैं, अनेक तरह के यहाँ पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, जिसका पूरा विश्व दीवाना है, और ये समय है हमें उसको कैश करना चाहिए। और ये तभी होगा कि जब जो बेरोजगार अपने को मान रहे हैं वे इस खेती की तरफ कदम रखें। अब सर, मान लीजिए अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, किसी भी चीज़ के लिए आपसे जानकारी चाहिए, आपके यहाँ पे फार्म पे खेत पे आना है, या आपसे जैसे कि कुछ चीज़ें आप उगा रहे हैं उन्हें एक बार चाख के देखनी है कि असल में ऑर्गेनिक होता क्या है या हाँ, जैविक क्या है, तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, ये गांव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म है, जो कि गूगल मैप के ऊपर भी हमने जो है डाला हुआ है, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7830515779, और सुनील कुमार राणा फेसबुक अकाउंट है, तो इनके माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये कुछ किसानों तक सीमित ना रह करके पूरे देशव्यापी आंदोलन बने, क्योंकि तभी जा करके हमारा प्रकृति का सुरक्षा हो सकती है, संरक्षण हो सकता है, मानव जाति बल्कि ये कहें कि प्राणी जाति तभी सुरक्षित रह सकती है। अब रही स्वाद और टेस्ट की बात, मेरे पास काफ़ी सम्मानित उपभोक्ता हैं जो आते हैं यहाँ पे, और मेरी 80% जो है सामान जाता है वो यहीं से फार्म हाउस से घर से ही जाता है, मुझे कहीं दर दर भटकने की या लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो किसान भाइयों, आपने देखा हमने सुनील जी से बात की, एक इंसान, फौजी इंसान, जिसने पहले देश की सेवा की और आज भी देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है, जो मेन मूलभूत चीजें हैं खेती जिस पे पूरा भारत टिका हुआ है उसको सुधारने में वो लगे हुए हैं, और सुधारने में भी ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, जो आपने देखा मल्टी लेयर वो कर रहे हैं, या जो कई सारी फसलें एक साथ की बुआई कर रहे हैं, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको वो प्रोसेस करके वहां तक भी सेल कर रहे हैं। अगर आपको सर से कोई जानकारी चाहिए, सर ने अपना नंबर भी बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।